एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? भारत में एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के नक्शे कदम पर चलते हुए डॉक्टर प्रोफेसर माणिक साहा के नेतृत्व वाली त्रिपुरा सरकार ने प्लास्टिक मुक्त त्रिपुरा शुरू करने की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य राज्य को प्लास्टिक प्रदूषण से छुटकारा दिलाना है, जो एक गंभीर वैश्विक चुनौती है। यह हमारे महासागरों और समुदायों को प्रदूषित करता है। यहाँ तक कि पहाड़ी और सुरम्य राज्य त्रिपुरा भी एकल उपयोग प्लास्टिक के परिणामों से जूझ रहा है। यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि नालियों और सीवरेज प्रणालियों को अवरुद्ध करके विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में यादृच्छिक बाढ़ में भी योगदान देता है। त्रिपुरा में इस समस्या से निपटने के पिछले प्रयासों को सीमित सफलता मिली थी। इन अनुभवों से सीखते हुए त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन TRLM ने एकल उपयोग प्लास्टिक के किफायती विकल्पों की कमी को एक बड़ी बाधा के रूप में पहचाना। इस अंतर्दृष्टि के साथ TRLM एकल उपयोग प्लास्टिक सामग्री के लिए विभिन्न पर्यावरण अनुकूल विकल्प विकसित किए हैं। इन समाधानों में प्लास्टिक बैग के स्थान पर कागज और कपड़े के थैले, होटल रेस्तरां और त्योहारों में उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक प्लेटों और कटलरी के विकल्प के रूप में बायोडिग्रेडेबल एरेका पाम शीट प्लेट और बांस कटलरी शामिल हैं। आधुनिक समय में बढ़ती चुनौती को संबोधित करते हुए नवीनतम जोड़ झाड़ू में प्लास्टिक के हैंडल को बांस के पुनः प्रयोज्य हैंडल से बदलना है। इन नवोन्मेषी समाधानों का उद्देश्य न केवल पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ना और एकल उपयोग प्लास्टिक के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को कम करना है, बल्कि कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण का समर्थन करना और स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल के मूल्य वर्धन के माध्यम से गरीब किसानों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करना है। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। SHG के थ्रू अल्टरनेटिव टू दिस सिंगल यूज प्लास्टिक, एरिकानट का स्पेत मिलता है, उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, वो वेस्ट में जा रहा था और वो वेस्ट को भी हम लोग यूज़ करके बहुत सारे प्लेट्स, कप्स वगैरह जो भी है एज अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक हम लोग बनाने के लिए सुविधा मिला है। प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ब्रूम हैंडल्स हम लोग डेवलप कर रहा है और स्पून, नाइफ एंड फोर्क जो है, इस तरह का जो हम लोगों का होटल्स में प्लास्टिक का दिया जाता है, उसका अल्टरनेटिव हम लोग बैम्बू यूज करके किया जा रहा है। प्लास्टिक मुक्त त्रिपुरा लॉन्च करके राज्य सरकार एक स्वच्छ और अधिक पर्यावरण के प्रति जागरूक त्रिपुरा बनाने, अपने निवासियों के लिए एक हरित भविष्य को बढ़ावा देने और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में वैश्विक प्रयासों में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रही है। त्रिपुरा ग्रामीण जीविका मिशन, त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रबंधित।